हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहा है 8 और मैं 7 बजे उठ चुकी थी क्योंकि आज लवीना स्कूल जा रही है। मैंने मॉर्निंग की चाय भी बना ली है और मेरे मशीन में कपड़े डाल चुके हैं और अब मैं इसे रेडी करके स्कूल पहुँचा रही हूँ और उसके बाद मैं अपने घर का काम कर बाई फिर मिलती हूँ आपसे काम करने के बाद। बाय। सो फ्रेंड्स, लवीना को मैंने रेडी करके स्कूल पहुँचा दिया है और वो स्कूल गई है। बड़ी मुश्किल से उसका मन जाने का नहीं था आज, फिर भी मैंने उसको स्कूल भेजा। मैंने जाओ बेटा, 2 दिन, कल और जाएगी, फिर उसका बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन नहीं जाएगी स्कूल। देखिए फ्रेंड्स, देव उठ गया है, फ़ोन के लिए रो रहा है। मेरा फ़ोन मुझे मिल नहीं रहा, मैंने कहाँ रख दिया, और ये उठते ही रो रहा है। और जितेंद्र उठ चुके हैं, ऑफिस के लिए रेडी हो गए, मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ और ये देखिए कैसा रो रहा है। सो फ्रेंड्स, मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है और मैंने नहा लिया है और मशीन में मेरे कपड़े अभी भी डल रहे हैं और मैं गैलरी में ही कपड़े डालती हूँ क्योंकि ऊपर बहुत कड़क धूप होती है और चढ़ा नहीं जाता बिल्कुल भी, इसलिए मैं सारे कपड़े वॉश करके धोकर सुखा कर सब यहीं धूप में थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि धूप लगती है, फिर मैं उन्हें उतार लेती हूँ। और फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ है कि आज मेरी सिस्टर के वहाँ पर एक नन्ही सी प्यारी सी परी आई है, तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन रीना। सो फ्रेंड्स, आज मेरा सारा काम ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका है और अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, दिन का मेरा सारा काम हो चुका था और मेरी आँखें इतनी भारी हो गई थी ना, मेरी आईज इतनी भारी हो गई थी, मेरा सारा काम हो गया था और मेरी आईज इतनी भारी इतनी हेवी हो गई थी, पानी आँखें जलन भी हो रही थी। तो आईज मेरी शायद मैं अभी बहुत दिनों से चश्मा नहीं लगा रही, हो सकता है इसलिए मेरी आईज भारी हो रही है। इसलिए मेरे सारा काम करके और मैं थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए बिस्तर पे लेटी थी, बेड पे अपने, तो मुझे नींद आ गई और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ सोकर। वैसे क्योंकि अभी सुबह जल्दी उठ रहे हैं ना, तो दिन में दोपहर में नींद आ ही जाती है, और अब मैं उठी हूँ। फिर मैंने चाय बनाई, 4 बजे में उठी थी, मैंने चाय बनाई, सबने चाय पी और फिर अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। और जो बचा मेरा इनविटेशन रह गया था हमारा, जो बड़ी मम्मी को मेरे और आंटी को मुझे बोलने जाना है, तो अब जितेंद्र में शाम को जाएंगे, वो जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से और मैं खाना जल्दी बना रही हूँ ताकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। और आज मेरा हमारा इन्विटेशन सबको हो जाएगा, मम्मी के घर भी मुझे बोलने जाना है, हमने अभी मम्मी के यहाँ नहीं बोला है, तो हमें जल्दी खाना बना के शाम को मैं जा रही हूँ जल्दी सबको इन्विटेशन देने। सो फ्रेंड्स, मेरा खाना पूरा बन चुका है, मेरा काम भी हो चुका है पूरा, और अब हम जा रहे हैं इन्विटेशन देने मम्मी के घर, बड़ी मम्मी के और आंटी के यहाँ पर, और उसका लवीना का केक का ऑर्डर भी आज देना है हमें, तो हम जा रहे हैं जाएंगे उधर से मार्केट। सो फ्रेंड्स, जस्ट अभी मैं आई हूँ, मैंने सबको इन्विटेशन दे दिया है और ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम सिर्फ फैमिली के ही लोग हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा हमें करना नहीं था, अभी इतना बजट नहीं था, लेकिन लवीना की खुशी के लिए सिर्फ हमने उसकी खुशी के लिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान करा है और हमारा प्लान सक्सेस भी हुआ है। हमने उसका केक का ऑर्डर भी दे दिया है और नाइट में भी हम 12 बजे उसका केक कट करवाएंगे कल, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसे गिफ्ट भी मैं जो हम लेकर आए हैं जो देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसके बर्थडे का हर एक मोमेंट्स मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, अभी जस्ट हम आए हैं और अब जितेंद्र गए हैं, उनके फ्रेंड्स को बोलने गए हैं, इनविटेशन देने गए हैं, नीचे वो भैया मिल गए थे तो उन्हें वो बोलने गए हैं, फिर वो आकर हम लोग खाना खाएँगे। और देखिए, मेरी तो आइस वगैरह सब ऐसी रेडिश हो रही है, तो शायद मुझे नींद आ रही है क्योंकि दिन में भी मैं बहुत सो लिया आज, और अभी भी मुझे मेरी आइस क्योंकि रेड हो रही है और थोड़ी सी जलन हो रहा है मुझे आइस पे, तो या तो मैं ड्रॉप वगैरह लूँगी आइस के लिए, बट अभी मैंने डॉक्टर को भी बताया नहीं, मैं आइस में ड्रॉप वैसे भी नहीं डाल सकती, हो सकता है मेरी चश्मा की वजह से थोड़ा मुझे आइस में प्रॉब्लम हो रहा है। एक ब्लॉग में भी आप मुझे देख सकते हैं, मेरी एक आइस रेड हो रही थी जब मैं सो के उठी थी, ये मुझे पहले ऐसा नहीं होता था, बट पता नहीं क्यों मुझे आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही है। मैं जाऊंगी जरूर डॉक्टर के पास और आइस चेकअप करवाने अपना। सो फ्रेंड्स, अभी हम जस्ट आए हैं, मैंने कपड़े चेंज करे हैं, जितेंद्र आते से ही हम लोग खाना खाएंगे और मैं थोड़ा सा अपना हॉल सही कर देती हूँ और बेड जमा देती हूँ, बेड वगैरह अपना बेडशीट वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ क्योंकि अभी वो आएंगे तो हमको चिल्लाएंगे हमारे ऊपर। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी सब खा रहे हैं रसमलाई, आज मैं सबके लिए रसमलाई लेकर आई थी, देव नहीं खा रहा,
अभी खाओगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी रसमलाई है, ये मेरी रसमलाई है, और ये लवीना की। और खुशी नहीं खा रही है रसमलाई, खुशी नहीं खा रही है। गाइस हम बनाने वाले हैं अब लवीना का बर्थडे, और मेरे साथ आ गया है देव। गुड नाइट। और देव अपन बर्थडे का बनाएंगे दीदी का परसों। रसमलाई खा लो फ्रेंड्स, रसमलाई। अब कल का दिन बचा है, हमने सारी तैयारियां कर ली है, परसों के दिन पार्टी है। हम सब जाएंगे खाना खाने बाहर और करेंगे एंजॉय। लवीना का बर्थडे है, हम सब एंजॉय करेंगे और देव भी एंजॉय करेगा, आपको भी देख पाएंगे आप के एंजॉय करेंगे। अभी सरप्राइज रखा है थोड़ा सा हमने, ये देव को देखिए। सही है नहीं है, इसको लग रहा है कि इसके दांतों में कीड़े लग गए। नहीं लगा? लगा। आप अपने फैन से कुछ बोलो। हमारे ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे देव आप स्कूल की छुट्टी पड़ रही है आपकी? हाँ। कब तक? अभी। मैडम क्या बोली थी आपको? मैं कुछ नहीं, वो एक गाना सुना रहा था, रात वाला सुना तो? नहीं दूसरा वाला। और वो एक और गाना था ना, वो राजस्थान का कौन सा गाना था? मारो अमाबो होटल की चाय पिला देखे मारो दिल बारो होटल का होटल की चाय पिला दो। क्योंकि अभी इतनी गर्मी है कि मैं नाइट में तो पहनती हूँ, डे में भी फुल डे में गाउन पहने रहती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। एसी के बावजूद भी टेम्परेचर बहुत हाई है और सूट पहनना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ना साड़ी पहनना पॉसिबल हो रहा है। और फ्रेंड्स मेरे बर्थडे में सिर्फ एक दिन बाकी है, वो भी कल का, फिर परसों मेरा बर्थडे है। सो फ्रेंड्स देखो मेरी मेहंदी अच्छी लग रही है, कमेंट करके बताना। मैंने दोनों हाथ में एक्चुअली सेम सेम लगवाई है। सो फ्रेंड्स हम कर रहे हैं सोने की तैयारी, लेकिन इससे पहले मैं अपने हाथों में मेहंदी लगवाऊंगी खुशी से, क्योंकि हमें तो बहाना चाहिए मेहंदी लगवाने का, और मुझे भी बहुत शौक है, बच्चों को भी बहुत शौक है। तो लवीना का बर्थडे भी है तो देखिए खुशी ने तो लगवा ली है, आज लगाई है और मैंने कल लगवाई, मैंने भी बर्थडे कल भी मेहंदी लगवा ली है, और बस मैं रह गई हूँ। सो मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ, और इसीलिए मैं आज का अपना ये ब्लॉग यहीं करती हूँ एंड। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो फ्रेंड्स बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।